नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद सेवन न्यूज। एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ क्षेत्र से, जहां लापता युवक की पावर प्लांट में मिली लाश। जी हां, आपको बता दें कि प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ क्षेत्र में 5 अप्रैल से लापता चल रहे युवक की लाश गुरुवार को बारा पावर प्लांट के समीप पाई गई। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि उसे गोली किसने और क्यों मारी है। मामले की सूचना मिलने पर एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित, क्षेत्राधिकारी विमल किशोर मिश्र, एसओ मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और छानबीन की। दूसरी ओर युवक के मौत की जानकारी होने पर परिजनों ने बारा पावर प्लांट के बाहर धरना देकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि गोली मारकर हत्या की गई है। प्रयागराज से आलोक गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज में की घटना है। यहाँ पर एक पावर प्लांट है और इस पावर प्लांट के अगल बगल के कई गांव वाले यहाँ पे कार्य भी करते हैं और कभी कभी यहाँ से शिकायत आती है कि जो स्क्रैप मटेरियल है उसको उठाने के लिए यहाँ पे कभी कभी ये लोग बाउंड्री के इर्द गिर्द घूमते हुए पाए जाते हैं। इसी प्रकरण में 5-6 की देर रात में कुछ लोग परिसर में घुसे हुए थे और यहाँ के जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं उन लोगों द्वारा उनको चैलेंज किया गया और उनको दौड़ा करके एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। बाद में कल दिनांक 6 तारीख की शाम को पुलिस को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमल किशोर तिवारी, जो कि मूल रूप से जनपद चित्रकूट के रहने वाले हैं, वर्तमान में ये लोहगरा थाना बारा में रहते हैं, ये भी परसों रात से ही लापता हैं और ये घर नहीं पहुँचे हैं। तत्काल इस सूचना पर थाना बारा पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिख ली गई थी गुमशुदगी, और थाना शंकरगढ़ एवं थाना बारा की पुलिस इन लोगों की टीमें गठित करके जो गुमशुदा व्यक्ति हैं उनकी तलाश कराई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यहाँ के जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इनके द्वारा नादानी करते हुए इनके साथ कोई हादसा कर दिया गया हो सकता है। अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये निकला है कि ये जो व्यक्ति हैं कमल किशोर तिवारी परसों रात में ही यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनसे उलझ गए थे और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा एक फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें कि कमल किशोर तिवारी जी के पैर में गोली लग गई थी और फलतः उनकी मृत्यु हो गई है। आज उनकी जो शव है वो बरामद कर लिया गया है, उसे पोस्टमार्टम में मृत्यु के सही समय और सही कारणों का पता लगाने के लिए भेजा जा रहा है। जो मृतक का परिवार है उनसे संपर्क करके उनसे भी तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।